नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास YouTube के दो चैनल हैं और आप दो चैनलों में से एक चैनल को अपने दूसरे अकाउंट पर ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक टेक्निकल का चैनल है और एक कुकिंग का चैनल है और आप उस कुकिंग के चैनल को टेक्निकल वाले चैनल पर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उससे फ़ायदा आपको क्या होगा ये भी आप पता कर लीजिए कि आपको फ़ायदा क्या होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो जैसे आपकी वीडियो को देखेंगे और आपको वहाँ पर आपका दूसरा चैनल आप लगा देंगे तो वहाँ पर आपको लिख देना है कि ये मेरा सेकेंड चैनल है, जैसे मैंने लिख रखा है कि ये मेरा सेकेंड चैनल है। तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे, मतलब मान लीजिए आपके 50,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से कम 5,000 सब्सक्राइबर अगर उस चैनल पर चले जाते हैं तो उस चैनल को कितना फ़ायदा हो जाता है। तो आप किस तरह से अपने मल्टीपल अकाउंट को अपने YouTube चैनल पर ऐड कर सकते हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना और ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप यहां पर अपने दूसरे YouTube अकाउंट पर किसी दूसरे चैनल को ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहना। तो यहां पर मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं कि मेरा यहां पर कोई भी यहां दूसरा चैनल ऐड नहीं है। मैं आपको चैनल में जाकर भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर मेरा कोई भी दूसरा चैनल ऐड नहीं है। लेकिन वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही मैं आपको यहाँ पर चैनल में भी और अपने YouTube के होम स्क्रीन पर भी यहाँ पर आपको अपने दूसरे चैनल को आपको ऐड करके दिखा दूंगा। वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको सिंपली करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपना YouTube अकाउंट लॉगिन कर लेना है। YouTube अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या है, आप YouTube स्टूडियो में चले जाएंगे। YouTube स्टूडियो में जाने के बाद मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहना। थोड़ी नेट प्रॉब्लम होने की वजह से ये सर्च नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियो में बने रहना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा YouTube चैनल का जो अकाउंट है यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको करना क्या है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ही ये सारा प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर कस्टमाइज पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी मेरा YouTube चैनल ऐड नहीं है। ये देख लीजिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा दिया है, लेकिन मैं इसको किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोने में एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा ऐड सेक्शन का, इस ऐड सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लाइव का, पॉपुलर वीडियो का और आपके जो प्लेलिस्ट है उनका। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल का, जो ऑप्शन आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों की चैनल पर देखा होगा कि ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहाँ पर आप उस टाइटल को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई सेकेंड चैनल, तो यहाँ पर आपको जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने चैनल को सर्च कर लेना है। जैसे जो भी आप जिस चैनल को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उस चैनल को आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे मेरा टेक्निकल हरीश के नाम से चैनल है तो यहाँ पर मेरा चैनल खुलकर आ चुका है, फर्स्ट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आपको ये कॉलम जो नज़र आ रहा है, इस कॉलम के ऊपर ही आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक डन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ पर कोने में आपको नज़र आ रहा है डन, इस डन के ऑप्शन पर आप ही आपको क्लिक कर लेना है। और ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा YouTube चैनल यहाँ पर ऐड हो चुका है, आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपका जो YouTube चैनल है वो दूसरे अकाउंट पर ऐड हो चुका है, जो जिस अकाउंट पर आप ऐड करना चाहते हैं। मैं इसका आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा अपने YouTube चैनल पर ले जाकर। तो मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर चला जाता हूं और यहां पर देखता हूं कि मेरा जो YouTube चैनल मैंने ऐड किया है अपना सेकंड चैनल, वो यहां पर आया या नहीं आया। तो मैं इसको दो या तीन बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने YouTube चैनल की होम स्क्रीन के ऊपर। यहां चेक कर लेते हैं हम कि हमारे YouTube चैनल का जो हमने चैनल दूसरा ऐड किया है वो यहां पर आया है या नहीं आया। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा YouTube चैनल जो सेकंड चैनल मैंने वहां पर ऐड किया था मेरे दूसरे YouTube चैनल पर, वो ऐड हो चुका है। और ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर आ चुका है। आप लोगों को मैंने इसका लाइव प्रूफ दिखा दिया, पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। आपको मैंने वीडियो के शुरू में दिखा दिया था कि मैंने यहाँ पर कोई भी अपना चैनल ऐड नहीं कर रखा था, यहाँ पर अब ऐड हो चुका है। इस तरीके से किसी भी YouTube चैनल को, अपने भाई दोस्त फैमिली मेंबर के चैनल को आप यहां पर ऐड करके उसके भी सब्सक्राइबरों को गेन करवा सकते हैं, उसके सब्सक्राइबरों को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटिव अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपकी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।